बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन जी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो कड़ी। तो उसके लिए जो हमें चाहिए चीज़ें, ये सबसे पहले 1 किलो मैंने आलू ले लिए थे, उनको मैंने उबाल लिया है हल्का सा नमक डाल के। तो अब इनके ये मोटे मोटे पीसेस कर लिए। उसके अलावा ये टमाटो पेस्ट है मेरे पास एक प्याली, और ये आधा कप ऑयल है, 1 कप दही, साबित गरम मसाला, और ये एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, और ये हमारे खुशक मसाला जात जिसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, और ये मेरे पास है सूखा अनारदाना। तो अब हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले हम लोग ये प्याज फ्राई कर लेंगे। आलू की प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें साबित गरम मसाला शामिल कर लूंगी। साथ ही मैं ये टमाटर पेस्ट ऑन कर दूंगी। अब इसमें पकाची के खुशक मसाला जाते मैं शामिल कर लूंगी। एक खाने का चम्मच नमक इसमें शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी, और इसके साथ सुरख मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच खाने का, और साबित गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर, अगर आपके पास साबित है तो वो आप मोटा मोटा कूट के डाल सकते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ पाउडर फॉर्म में, और ये मेरे पास है सूखा अनारदाना 1 खाने का चम्मच। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी। और 2 मिनट के लिए इसको अब मैं ढक दूंगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें आलू शामिल कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके तो तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ढक देना जी। तो प्यारे व्यूअर्स जी, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी, लजीज सी हमारी जो है ना कड़ी, पोटैटो कड़ी रेडी हो चुकी है आप लोगों के सामने। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको जी। तो प्यारे व्यूअर्स जी, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा, सिंपल स्टाइल में मैंने बनाया, ईजी है। ये हमारी पोटैटो कड़ी रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे शेयर कर दें, और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लगा करें। मिलती हूँ आगे एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।